हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है योर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पास शाओमी का फ़ोन है और आप उसकी नोटिफिकेशन बार को जब भी ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देता है नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा होता है फीमेल फॉर इंग्लिश, ब्रैकेट के अंदर इंडिया लिखा होता है या फिर यूके या यूएस भी हो सकता है, और नीचे लिखा आ रहा होता है कि वेटिंग फॉर नेटवर्क। तो अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन बार में अगर ये मैसेज आ रहा है तो कई बार होता ये है कि हम इस मैसेज से इरिटेट होते रहते हैं, क्योंकि ये इसको यहाँ से हटाना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार हटा नहीं पाते हैं, या फिर अगर इसको हटा भी देते हैं तो ये कुछ दिन बाद दोबारा से अपीयर हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप इसको परमानेंटली हटाना चाहते हैं कि बार बार ना आए, इरिटेट ना हो आप, तो वही मैं इसमें बताने वाला हूँ कि इसको कैसे डिसेबल किया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए अब वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हमने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर टैप करना है तो ये सेटिंग्स वाली ऑप्शन यहाँ से खुल जाएंगी। यहाँ पे हमने नीचे की तरफ को स्क्रोल करना है तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टैप करके इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद लैंग्वेजेस एंड इनपुट वाली ऑप्शन पे आ जाना है। तो जैसे ही लैंग्वेजेस एंड इनपुट वाली ऑप्शन पे आ जाते हैं तो नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट वाली ऑप्शन दिखाई देगी, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद स्टार्टिंग में ही गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके आगे गियर का आइकन बना है, इस आइकन पे हमने टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो ये वाली सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली सेटिंग है इंस्टॉल वॉइस डेटा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हम वही लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो हमारे नोटिफिकेशन बार के अंदर दिखाई दे रही है। तो मैं जैसे नोटिफिकेशन बार खोलता हूँ तो यहाँ पे लिखा है फीमेल फॉर इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया है ये, तो आपके केस में इंग्लिश यूके भी हो सकता है या यूएस भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, इसको टैप करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे तो आपको इस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस सेट वन, नीचे लिखा आ रहा है डाउनलोडिंग, तो इसका मतलब ये है वॉइस सेट वन को ये डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, बट नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क ना मिलने के कारण ये यहाँ पे रुका हुआ है, और उस वजह से हमें वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है। तो आपका करना क्या है, यहाँ पे जो क्रॉस का आइकन दिखाई दे रहा है उस पर टैप करके इसको आप डाउनलोडिंग को रोक सकते हैं, और इसको रोकने के बाद आप मैन्युअली भी दोबारा इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इसको दोबारा से अगर डाउनलोड शुरू करना चाहते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम दोबारा से डाउनलोड अगर करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये कम्प्लीट हो जाता है डाउनलोडिंग और वो मैसेज हट जाता है। तो इसको जैसे हम कैंसिल कर देंगे इसके यहाँ से, उसके बाद हमें बैक जाना है और इस वाली सेटिंग्स पे आ जाना है, और यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन दिखाई दे रही है, उसको ओपन करना है। तो जैसे ही उसको ओपन करेंगे यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाई देगा यूज़ वाईफाई ओनली, डाउनलोड वॉइस डेटा यूजिंग ओनली वाईफाई, तो यहाँ से हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको डिसेबल करते हैं तो ये हमारा जो मोबाइल डेटा को यूज़ करके हमारी डाउनलोडिंग कर सकता है। तो इससे होगा ये कि अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन होगा तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे भी हमारा जो ये मैसेज है जो हट सकता है। तो अब ये जब हो जाता है उसके बाद हमने बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद दोबारा से हम एक बार सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे इंस्टॉल्ड ऐप्स में। तो इंस्टॉल्ड ऐप्स में हमने डाउनलोड मैनेजर को ढूंढना है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर का सॉफ्टवेयर है, तो इस पे मैं टैप करके इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ से क्लियर डेटा जो लिखा हुआ है क्लियर डाटा पे सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो जैसे ये हो जाएगा तो हम बैक आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन पे, और ऊपर आकर के नोटिफिकेशन बार में चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो डाउनलोडिंग का मैसेज आ रहा था वो अब यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का क्विक एंड इजी वीडियो ट्यूटोरियल, इसमें आपने सक्सेसफुली उस मैसेज को अपने नोटिफिकेशन बार से हटा दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके काम आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, नीचे लाइक का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, और साथ ही इसको अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आपको मिस ना करें आप, और आपको मिल जाए वो। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।